फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल बॉन्डेट्री मेटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऑफसाइट के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो पहले बहुत सारे वीडियो में छोड़ा है जो कि कुछ भाई लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं पहले कैसे बनाता था वो आपको दिखाऊंगा, और हो सके तो ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज मेरा था ऑफसाइट बनाने का, तो मैं वो आपको पहले सिखाऊंगा। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये स्लैब से इसका बॉटम 300 है ट्रंकिंग का, और ये बीम से भी 300 है, लेकिन बीम का हाइट 200 है, तो हमको ऑफसाइड 200 चाहिए। और मैं पहले इसका मेजरमेंट मुझे नहीं मिल रहा था, मैं क्या करता था बता देते हैं। तो मैं पहले क्या करता था, देख सकते हैं, ये मैं 100 mm का ट्रंकिंग लिया है। 100 mm का ट्रंकिंग को हमको 45 डिग्री बनाने के लिए 82 mm चाहिए होता है। ओके, तो 82 mm को हम क्या करेंगे, पहले ऊपर साइड को बेंड उठा देंगे। उसको सेंटर कर दीजिए 41 में, और आपको उसको ऑफसाइड बना दीजिए। पहला एक बैंड बना देंगे हमें। तो दोस्तों देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का बन जाने के बाद हम मेजरमेंट लेता था हमको 200 mm किधर होता है। तो मैं इधर कोई चीज में, मतलब नीचे जमीन में रख के आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, मैं इधर सैमसंग कर देता हूं। ओके, ये पकड़ लीजिए जमीन है, और जमीन से हमको टू हंड्रेड कहां पर आता है, तो 200 में ऐसे मेजरमेंट कर लेता था। ऐसे मेजरमेंट करेगा तो हमको देखिए इधर ही 200 आता है। ओके, तो मैं क्या करता था, यहां पर एक ही मार्किंग करता था। एक ही मार्किंग करने के बाद हम इसको बढ़ा देते थोड़ा। तो आप देख सकते फ्रेंड्स, हम यहां पर मेजरमेंट ले लिया 200 का। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं ले लिया 200। अभी 200 क्या करेगा, हम जो 82 mm ऊपर को कट किया था, इसको भी नीचे को कट करेंगे, और 200 के बाद हम 42 लेंगे आगे को, 41 mm लेंगे आगे को, उसके बाद और 41 लेंगे। तो ये सेंटर निकल गया, सेंटर को ऊपर को उठा देना है। ऊपर को उठाने के बाद कुछ इस प्रकार का भी आपको कट कर देना है।
ओके फ्रेंड्स, तो नीचे की तरफ से अभी यू शेप में कट कर लेना चाहिए। कट करने के बाद कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ओके, इस प्रकार का होने के बाद आप भी क्या करेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। अभी हम इसको ये यहां पर आके टच हो जाएगा, टच हो जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। तो पहले ऐसे में ही करता था फ्रेंड्स, और मेरे को इसलिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे कि एक बैंड बनाने के बाद जॉइंट करो, जॉइंट करने के बाद उसको मेजरमेंट करके फिर कटिंग करो, घुमा घुमा के कटिंग करने कितना दिक्कत होता है ये आपको जरूर मालूम होगा। इसलिए मैं क्या किया, उसका कुछ हाल निकाला, और जिसके वजह से मैं पहले एक वीडियो छोड़ा था जो कि 45 डिग्री बनाने का। ओके, 45 डिग्री नहीं तो और कुछ उसको मतलब ज़्यादा और हॉरिजेंटल करके, ज़्यादा वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल करके उसको भी शॉर्टकट बैंड तो 45 डिग्री होता था, लेकिन उससे और थोड़ा हॉरिजेंटल में हम आउटसाइड के लिए वो दो हाल निकाला था। लेकिन धीरे धीरे मैं करता गया, करने के बाद एक फार्मूला निकाला जो कि मैं अभी पिछला वीडियो में भी छोड़ा, और उसी फार्मूला से हम सब कुछ काम करता है। और उसमें ज़्यादातर चौड़ा वाला जो वाइड वाला 1000 का या 600 का 750 का वो सभी साइड पेंट करने के लिए इजी होता है, क्योंकि हमको 45 डिग्री खाली मालूम हो जाएगा तो उसमें अच्छा नहीं दिखेगा जो वाइड वाला ट्रे होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए जिन लोग को वो वीडियो समझ में नहीं आता है आप इसको अपना सकते हैं और इजीली आप आपका ऑफसेट पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ।